नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल। तो माई ने छोड़ दी यूपीएससी की कमान और ऋतुराज को मिला है बहुत बड़ा सम्मान। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हाजिर हूँ इस वीडियो में आप सबके लिए आईपीएल से जुड़ी कुछ बहुत बड़ी अपडेट, कुछ बहुत बड़ी न्यूज को लेकर। ये न्यूज है यहाँ पर सीएस के फैंस के लिए, ये न्यूज है यहाँ पर मुंबई इंडियंस फैंस के लिए, और ये न्यूज है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स फैंस के लिए। तो तीन से चार जो अपडेट है न्यूज वो यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और आपको फ्री में टीवी प्रोवाइड की जा रही है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको आईपीएल न्यूज आईपीएल अपडेट के साथ साथ आपको यहाँ पर फ्री में टीवी प्रोवाइड की जा रही है। प्रदीप एक्स क्रिक के नाम से है, लिंक आपको सबसे पहले मिल जाएगा, झट से क्लिक कर लो, फट से यहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। तो बात करते हैं दोस्तों अपडेट नंबर वन की, वो दोस्तों यहाँ पर आ रही है सीएसके या चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से। हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जी यहाँ पर रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उनका रिटायरमेंट आने वाला है। और भैया 2022 में सुना था, 2023 में सुना था, लेकिन अब 2024 में यहाँ पर इसकी एंडिंग हो चुकी है। एज अ प्लेयर वो यहाँ पर खेलेंगे, लेकिन एज अ कैप्टन वो यहाँ पर सीएसके टीम में अब नहीं बने रहेंगे। सीएसके टीम की कप्तानी अब यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को हैंड ओवर कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, मुझे लगता है ये सीएसके फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, दिल दुखाने वाली खबर है, क्योंकि अब यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी आपको टॉस करते हुए नजर नहीं आएंगे, कप्तान के तौर पर नजर नहीं आएंगे, आपको स्टंप के पीछे नजर आने वाले हैं और आपको बैटिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। जी दोस्तों, अब ऋतुराज गायकवाड़ ऑफिशियली यहाँ पर सीएसके के नए कैप्टन बनाए गए हैं। और जब यहाँ पर फोटो शूट हो रहा था आईपीएल स्टार्टिंग से पहले, तब भी यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ही देखने को मिले थे, और अपने यहाँ पर खुद हैंडल नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने हैंडल पे भी बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी गई है। तो हमने 2008 से देखा था कि चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, उसके बाद हमने देखा मुंबई इंडियंस का कप्तान रोहित शर्मा थे, फिर विराट एरा, धोनी एरा, यहाँ पर रोहित शर्मा एरा, सारे एरा का यहाँ पर एंडिंग हो चुका है, नए नए कप्तान यहाँ पर बनते आ रहे हैं। तो अब वो मजा नहीं मुझे लगता है आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले यहाँ पर कप्तान थे विराट कोहली, रोहित शर्मा सर, यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, तीनों की यहाँ पर कप्तानी चली गई है, तीनों ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। अब वो यहाँ पर बतौर प्लेयर यहाँ पर खेलने वाले हैं और महेंद्र सिंह धोनी का लगभग ये सीजन लास्ट होने वाला है। दोस्तों अपडेट नंबर ये पहली थी, तो मुझे लगता है सीएसके फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब बात कर रहे दोस्तों अपडेट नंबर, मूविंग ऑन अपडेट नंबर टू। तो भैया उससे पहले फिर से आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको आईपीएल की न्यूज अपडेट के साथ साथ आपको फ्री में टीम भी प्रोवाइड की जा रही है। कल से मैच स्टार्ट है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऊपर मैच स्टार्ट होने वाला है, उसकी टीम आपको फ्री में दी जा रही है। और अगर आपको यहाँ पर फ्री में जानना है कि इसकी सपोर्ट कैसी है, ड्रीम इलेवन टीम कैसी बनाए, तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप हमारे सेकंड चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्रदीप एक्स क्रिक के चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और मूविंग ऑन अपडेट नंबर टू, वो दोस्तों यहाँ पर आ रही है मुंबई इंडियंस के खेमे से। हाल फिलहाल में ये खबर आ रही थी कि क्या सूर्य कुमार यादव फिट है, अगर फिट है तो कहाँ है, क्या एनसीए उनको मंजूरी देती है। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर भी हमें कोई अपडेट या फिर कोई खबर नहीं मिली है। एनसीए में उनकी अगर फिटनेस टेस्ट होना था, अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। अब इसके बाद अगर ऑफिशियल जानकारी मिलेगी, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जब भी जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर सूर्य कुमार यादव क्या फिट है नहीं है, मुझे तो लगता है भैया पूरा कि सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, इसके ऊपर भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जहाँ पर मुंबई इंडियंस का मैच होना होगा, तो सूर्य कुमार यादव ऑफिशियली यहाँ पर ऐड कर दिया जाएंगे। ये थी हमारी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी अपडेट की, वो भैया राजस्थान रॉयल्स के लिए। यहाँ पर अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास तीन स्पिन तिगड़ी थी, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन और एडम जाम्पा, तीनों की तिगड़ी यहाँ पर दूसरे टीमों को खेल बिगाड़ने वाली काम करती थी। लेकिन अब यहाँ पर एडम जाम्पा ने अपना नाम आईपीएल 2024 से वापस ले लिया है, अपने कुछ पर्सनल रीजन के कारण आईपीएल उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। उनकी रिप्लेसमेंट अभी घोषित नहीं हुई है, जब भी उसकी रिप्लेसमेंट घोषित होगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर स्पिनर के तौर पर है यहाँ पर रविचंद्र अश्विन और एडम जाम्पा नहीं है, उसके जगह पर युजवेंद्र चहल हैं। एडम जाम्पा ने आईपीएल 2024 से अपना नाम वापस ले लिया है। ये थी आज की हमारे कुछ ताजा और सबसे बढ़िया अपडेट। इन बात करें यहाँ पर अपडेट की, तो मुझे लगता है सीएसके फैंस के लिए आज तक की सबसे बेकार अपडेट यही है भैया, क्योंकि सीएसके के जो कैप्टन एमएस धोनी, वो कैप्टन नहीं रहने वाले हैं। अगर आप कैप्टन के तौर पर नहीं देखोगे, टॉस होते वक्त आप नहीं देख पाओगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर आप भी ऐसे ही नई नई अपडेट, नई नई यहाँ पर न्यूज चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और जय हिंद।